हेलो आज हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की और आज हम बात करते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी की आज हम बात करते हैं कि डेटाबेस कनेक्टिविटी आप सी शार्प के अंदर कैसे करोगे देखो दो चीजें होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है फ्रंट एंड वो जगह होती है जहां पर तुम डिजाइन करते हो जैसे फॉर्म्स बनाते हो रिपोर्ट बनाते हो तो जो हमारा सी शार्प है वो फ्रंट एंड है बैक बैकएंड वो जगह होती है जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं तो मैं क्या चाहता हूं कि भाई मैंने सी शार्प में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया और जो फॉर्म की डेटा है वो कहीं ना कहीं हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाए तो ये काम हमें करना है कि हाउ टू मेक द कनेक्टिविटी विद डेटाबेस और डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए यहां पे जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं एडियो डॉट यह बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है बहुत ही पुराना तरीका है जब से डॉट नेट है तब से एडियो डॉट नेट पहले एडीओ हुआ करता था अब होता है एडियो डॉट नेट एडियो डॉट नेट एडियो का फुल फॉर्म होता है एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट तो इसकी डिटेल में मैं चर्चा बाद में करूंगा अभी मैं सिंपल एक कनेक्टिविटी करके आपको दिखाता हूं कि आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्जैक्टली exactly हमें करना क्या है अब देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी करना है एमएस एक्सेस से यह बड़ी प्राइमरी चीज है एक्सेस भी तो हमारा एक डेटाबेस है तो मुझे मान लो एमएस एक्सेस से यहाँ पे कनेक्टिविटी करनी हो जैसे वो है और जैसे हमारा सिक्वल सर्वर है जैसे हमारा माई सिक्वल है तो एम एस एक्सेस भी डेटा है लेकिन स्टैंड ऑन डेटाबेस है स्टैंड ऑन का मतलब वो अपने सिस्टम पर ही चलता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एम एस एक्सेस के अंदर एक डेटा ओपन करता हूँ और फिर मैं उसको क्रिएट करता हूँ आप देखो मैं कैसे बनाता हूँ ये सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ भाई एम एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अब मैं यहाँ पर एम एक्सेस को ओपन करता हूँ ये राजी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 थाउजेंड मेरे सिस्टम इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन करता हूँ ठीक सबसे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हम आते हैं तो उसको ओपन करने का तरीका क्या होता है उसको ओपन करने का तरीका होता है न्यू यहाँ पे ले लो ब्लैंक डेटाबेस जो आ रहा है आने दो यहाँ पे डेटाबेस का नाम है और ये उसका लोकेशन है जहां पे बनेगा आप लोकेशन चेंज कर सकते हो मान लो मैं यहाँ पे लोकेशन कर देता हूँ जी ई e ड्राइव में मैं बना देता हूँ डेटाबेस वन के नाम से ठीक है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट तो डेटा बेस के नाम से ये देखो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एम डी बी एम डी डी बी डेटा अब मुझे यहाँ पे क्या करना है मैं यहाँ पे आ गया डेटाबेस बन गया आपका डेटाबेस बेस वन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है टेबल क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे राइट right क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ डिजाइन भी हो यहाँ पे डिजाइन में आ जाओ ये टेबल का नाम बोल रहा है तो मैं यहाँ पे टेबल का नाम दे देता हूँ ई और यहाँ पे ले लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एम्प्लाई नंबर ऑटो नंबर ले लेगा ऑटोमेटिक नंबर लेता चला जाएगा तो मैं यहाँ पे ऑटो नंबर को फिलहाल हटा देता हूँ मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंप्लाई नंबर रिजर्व टाइप नंबर मैं यहाँ और ये यह देखो यहाँ पे लगा हुआ है इसका मतलब ये प्राइमरी की है मैं इसको हटा भी सकता हूँ और लगा भी सकता हूँ अब मैं यहाँ पर बोल देता हूँ ई नम और ई नेम टेक्सट टाइप का ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सेल अगेन मैं यहाँ पर नंबर टाइप का ले लेता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ ठीक मतलब आपने एक डेटाबेस बना लिया डेटाबेस बेस वन डेटा वन के अंदर आपने टेबल बना लिया ई एम पी अभी मैं ई पे डबल क्लिक करूं तो मैं यहां से भी वैल्यू एंट्री कर सकता हूं यहाँ से भी एंट्री कर सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ से एंट्री नहीं करना चाहता हूँ या चलो मैं अभी एक काम करता हूँ यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ ये हमारी वैल्यूज़ हैं ये हमारी वैल्यूज़ हैं जो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ ये हमारी वैल्यूज़ हैं जो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ और मैं यहाँ पर सैलरी लेता हूँ ये हमारी सैलरीज हैं ये हमारी सैलरीज हैं और जो भी यहाँ पे सैलरी डालना है डाल दो और बन गया काम कंट्रोल डब्लू कर दो सब कुछ सेव हो जाएगा कंट्रोल डब्लू अब मैं यहाँ पे अदरवाइज सेब पे क्लिक कर दो जो तुम लोग करते हो अब इसको क्लोज कर दो ठीक तो हमने डेटाबेस बना लिया अब उस डेटाबेस को मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है मैं चाहता हूं कि जब मेरा फॉर्म खुले तो जो डेटाबेस में डेटा है वो यहां पे दिख जाए तो मुझे यहाँ पे क्या करना है एक्सेस से कनेक्टिविटी करनी है तो एमएस एक्सेस से कनेक्टिविटी करना हो या किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना हो तो जो सबसे पहला काम आपको करना है आपको यहां पे लिखना है यूजिंग मैं यहां पे बोलता हूँ यूजिंग और मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिस्टम डॉट यूजिंग मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओले डी बी ये इसकी लाइब्रेरी है याद रखना ओले डी बी लाइब्रेरी का यूज़ करके मैं किसी भी डेटा बेस से कनेक्ट हो सकता हूँ ओले डी बी लाइब्रेरी का यूज़ करके मैं किसी भी डेटा बेस से कनेक्ट हो सकता हूँ तो मैंने यहाँ पे बोल दिया यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओले डी बी ओले डी बी का यूज़ करके मैं किसी भी डेटा बेस से कनेक्ट हो सकता हूँ तो पहला काम तो मैंने यहाँ पे इस लाइब्रेरी को ले लिया ओले डी बी

और जो डेटा निकल के आएगा उसको रीड कौन करेगा तो हम यहाँ पे बोलते हैं ओल डी बी डेटा रीडर अब मैं बोल देता हूँ जेट अब मैं यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करता हूँ तो कनेक्शन आप कैसे बनाओगे मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक्स इज इक्वल टू न्यू ओ डी बी कनेक्शन और जब भी आप ओल डी बी लेते हो तो यहाँ पे हमें प्रोवाइडर देना होता है तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रोवाइडर इज इक्वल टू मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रोवाइडर इज इक्वल टू प्रोवाइडर इज इक्वल टू और जब भी आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको यहाँ पर प्रोवाइडर देना है और मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रोवाइडर इज इक्वल टू मैं बोलता हूं यहां पे माइक्रोसॉफ्ट यहां पे मैं बोलता हूं माइक्रोसॉफ्ट डॉट एस डॉट ओल एडीबी डॉट ट्वेल्व पॉइंट जीरो अब ये प्रोवाइडर आपको यहां पे डालना है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एस डॉट एल ए टी बी डॉट ट्वेल्व पॉइंट जीरो अब बोलोगे सर ये क्या है अब देखो तुम्हें पता नहीं कि भाई किस डेटाबेस के लिए कौन सा प्रोवाइडर होगा तो यहां पे एक यूआरएल होती है और यू का नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग्स डॉट कॉम कभी भी तुम्हें कनेक्शन स्ट्रिंग पता करना हो ना कि भाई हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग होगी हमारी तो तुम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग्स डॉट कॉम कर दोगे तो यहाँ पे आपको सभी कनेक्शन स्ट्रिंग्स मिल जाएंगे जिस डेटाबेस से आपको कनेक्टिविटी करनी है ठीक है तो मुझे यहाँ पर किससे कनेक्टिविटी करनी है एक्सेस से करनी है तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि एक्सेस का प्रोवाइडर कौन सा है तो ये ये देखो ये हमें एक्सेस का प्रोवाइडर दे देगा अब यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट एस डॉट ओले टी डॉट ट्वेल्व पॉइंट जीरो हमारा प्रोवाइडर है ये पुराने वाले एक्सेस के लिए ये होता था नए वाले एक्सेस के लिए हमारे पास ये है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एस डॉट ओले डी इसका यूज करके तुम इन सभी से कनेक्टिविटी कर सकते हो एक्सेल से एक्सेस से जिससे भी करना हो तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं प्रोवाइडर इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट डॉट एस डॉट ओ ए डॉट ट्वेल्व पॉइंट जीरो अब मैं यहाँ पर बोल देता हूँ डेटा सोर्स डेटा सोर्स का मतलब डेटा जो आएगा वो कहाँ से आएगा तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ प्रोवाइडर इज इकल्ट टू माइक्रोसॉफ्ट डॉट एस डॉट ओले टी बी डॉट ट्वेल्व पॉइंट जीरो अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ डेटा सोर्स इजल टू और जो हमारा डेटा था वो कहाँ पे बनाया था आपने ई e में बनाया था और ई e के अंदर यहाँ पे याद रखना सिंगल स्लैश नहीं चलता है हमेशा डबल स्लैश लगाओगे तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डेटा बेस डेटा बेस वन डॉट ए सी सी टी बी ये हमारा डेटा बेस का नाम है तो हमने यहाँ पे ले लिया और मैं यहाँ पे कनेक्शन को ओपन कर देता हूँ अब मैं एक बार इसको रन करके देख लेता हूं पहले ये पता कर लेता हूँ कि भाई हमारा कनेक्शन बना या नहीं बना तो मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देता हूं और मैं इसको रन करता हूं अब जैसे ही मैंने यहां पर ब्रेक पॉइंट लगा दिया ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद मैंने इसको रन किया तो वो यहां पर जब आएगा तो रुकेगा तो मुझे इससे पता चल जाएगा भाई हमारा ये कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इसको होने दो रन तो, तो सबसे पहला काम होता है कि यूनिट टू क्रिएट अ कनेक्शन कनेक्शन बनाने के बाद दूसरा काम होता है हमारा जो भी हमारा कमांड है उस कमांड को लेके हमें काम करना होता है ठीक जो भी हमारा कमांड है उस कमांड को लेके हमें काम करना होता है ये देखो अब यहाँ पे ये यह भाई साहब आके रुकेंगे और मैं यहाँ पे करता हूँ F10 टेन ये आगे बढ़ गया आगे बढ़ गया अब मैं यहाँ पे करता हूँ F10 अब इसका मतलब ये यह यहाँ पे आ गया मतलब ये सक्सेसफुली हमारा ओपन हो रहा है इसका मतलब हमारी कनेक्शन बन गई चलो कनेक्शन बन गया अब हमें कमांड चलाना है तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ वाई इक्वल टू न्यू ऑलरेडी कमांड अब मैं यहाँ पे देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई मैंने यहाँ पे बोल दिया और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कनेक्शन किससे काम करेगा किस कने किस कनेक्शन पे काम करेगा एक्स के ऊपर तो अब मेरा ये कमांड आ गया अब मुझे क्या करना है इस कमांड को रन करना है और डेटा लेनी है तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ जेड इज इक्वल टू वाई डॉट एग्जीक्यूटिव रीडर एग्जीक्यूट रीडर जो है तो होता है ये जो हमारा एग्जीक्यूट रीडर है ये डेटा रीडर रिटर्न करता है तो मैंने यहाँ पे बोला जेड इज इक्वल टू वाई डॉट एग्जीक्यूट रीडर अब हमारा डेटा जेड में आ चुका है और अब मैं यहाँ बोलता हूँ वाई जेड डॉट रीड जब तक हमें रीड मतलब तब तक रीड करना है जब तक वहाँ पर डेटा अवेलेबल है जेड के अंदर अब मुझे यहाँ पे क्या करना है इसे शो करवाना है तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो और मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ मुझे जेड का एम्प्लाई नंबर लेना है तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ एम्प्लाई नंबर डॉट टू ए स्ट्रिंग और आपको क्या लेना है यहाँ पे प्लस बीच, बीच में मैं स्पेस ले लेता हूँ प्लस जेड का मुझे यहाँ पे क्या लेना है मुझे इन एम लेना है तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इन एम डॉट टू स्ट्रिंग और मुझे यहाँ पे क्या लेना है यहाँ पे जेड की सैलरी लेनी है तो मुझे यहाँ पे बोलना है जेड का और यहाँ पे तुम कॉलम का नंबर भी दे सकते हो जैसे जीरो वन टू तो ये हमारा सेकेंड कॉलम होगा सैलरी तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ टू स्ट्रिंग तो ये सैलरी को ले लेगा तो इस तरीके से हम डेटा को दिखाते हैं ये काम हमने यहाँ पे कर दिया और अब हमें यहां पे क्या करना है कनेक्शन को क्लोज कर देना है एक्स डॉट क्लोज अभी मैं यहां इसको रन करता हूं अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूं ये देखो ये पहला रिकॉर्ड निकल के आया अब ये दूसरा रिकॉर्ड आया ये तीसरा रिकॉर्ड आया ये चौथा रिकॉर्ड आया ये पांचवा रिकॉर्ड आया ये छठा रिकॉर्ड आया और डेटा हमारा निकल के सामने आ गया तो मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया और ये एप्लीकेशन क्या कर रहा है

ये रीडर जो है ये डेटा रीडर रिटर्न करता है तो यहाँ इक्वल टू वाई डॉट एग्जीक्यूट रीडर जो हमारा डेटा है वो जेड में आ चुका है अब मुझे क्या करना है इसको रीड करना है तो मैंने बोला जेड डॉट रेड फाइनली हमने यहाँ पे मैसेज डॉट शो के अंदर उस वैल्यू को दिखा दिया और रिजल्ट हमारे सामने आ गया अब तुम बोलोगे सर ये तो अच्छी बात है चलो आपने मैसेज बॉक्स में दिखा दिया चलो अभी फिलहाल हम मैसेज बॉक्स में ही दिखाएंगे ठीक अब यहाँ पे जो तुमने कनेक्टिविटी करी है ये कनेक्टिविटी तुमने एमएस एक्सेस से करी है ना तो यदि आपको एक्सेस से कनेक्टिविटी करना हो तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी और एक्सेस से कनेक्टिविटी करने का तरीका यही है कोई दूसरा तरीका और नहीं है मतलब ओल एडी भी ही हमें यूज़ करना होगा ये जो हमारा ओल एडी भी है ओल एडी भी लाइब्रेरी को यूज़ करके हम एम एस एक्सेस से कनेक्टिविटी करेंगे एम एस एक्सेस से जब भी कनेक्टिविटी करना हो तो आपको ऐसे करना हो यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओल एडी भी अब अभी मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मुझे एक्सेल से कनेक्टिविटी करनी है तो एक्सेल भी तो माइक्रोसॉफ्ट का ही है एक्सेल में भी तो हमारा टेबल हो सकता है अब यदि मान लो मैं बोलता हूँ मुझे एक्सेल से कनेक्टिविटी करनी है तो एक काम करो सबसे पहले यहाँ पर एक्सेल ओपन करो और मैं यहाँ पर एक्सेल में आता हूँ और मैं यहाँ पर एक्सेल के अंदर ये एक्सेल भी हमारा दो ही है तो मैं यहाँ पर भी एम्प्लाई नंबर मैं यहाँ पर भी एम्प्लाई नंबर और यहाँ पर एम्प्लाई नेम और यहाँ पर भी सैलरी डाल देता हूँ और मैं ये बोलता हूँ ये देखो ठीक जो भी डालना है डाल दिया है यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कौन सा डेटा है क्या है ठीक अब अभी मान लो मैं यहाँ पे सैलरी देता हूँ अब मैं यहाँ पे सैलरी देता हूँ ठीक और ये हमारा सीट वन है इसका नाम याद रखना मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो मैं ये सेव करता हूँ ई ड्राइव में बुक वन के नाम से तो इसका एक्सटेंशन होता है बुक वन डॉट एक्सएल एक्स तो मैं ई e ड्राइव में सेव कर लेता हूँ बुक वन के नाम से तो हमारा ये बुक वन डॉट एक्सएल एक्स फाइल है जिसके अंदर ये हमारा सीट है अब मुझे इससे डेटा उठानी है मैं इसको क्लोज कर देता हूं तो जब कभी भी आपको एक्सेल से डेटा उठाना है तो सब कुछ सेम रहेगा प्रोवाइडर यही रहेगा प्रोवाइडर यही रहेगा डेटा सोर्स में यहां पे चेंज हो जाएगा और डेटा सोर्स में क्या लगा दोगे यहां पे हम लगा देते हैं बुक वन डॉट एक्सएल एक्स ठीक और एक चीज यहाँ पे और आपको लिखनी पड़ेगी और क्या लिखनी पड़ेगी यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज ये देखो जब मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन किया था ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज एक्सल एट पॉइंट जीरो तो मैं इसको सीधा कॉपी कर लेता हूँ ना इतना महान क्यों बनूँ कि मैं लिखूँ तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ भाई सीधी सी बात है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू तो मैं बोला प्रोवाइड इज इक्वल टू और डेटा सोर्स मैंने बोला कि यहाँ पे सिंगल स्लैश चलता ही नहीं है यहाँ पे डबल स्लैश चलता है अभी तुम्हें यहाँ पे सिंगल स्लैश लगाना हो स्कीप सीक्वेंस हो जाता है ना वो तो यहाँ पे सिंगल स्लैश नहीं चलता है अभी तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ बुक वन डॉट एक्सएल एक्स बुक वन डॉट एक्सएल एक्स सेमी कॉलन और मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू और हमारी प्रॉपर्टीज का नाम क्या है एक्सेल एट पॉइंट जीरो तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एक्सेल एट पॉइंट जीरो एक्सेल एट पॉइंट जीरो और यहाँ पे हेडर टेडर ये सब देने की ज़रूरत नहीं हटा दीजिए सबको और हो गया जी काम और यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ईएमपी अब ईएमपी तो है नहीं ईएमपी नहीं है ना आपका सीट है ना वहाँ पे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा शीट वन डॉलर आप यहाँ पे डॉलर लगा दोगे ठीक अब यदि मैं इसको रन करूँ तो ऊपर वाले की यदि मेहरबानी होगी तो ये रन कर जाएगा है ना अब देखते हैं भाई ऊपर वाला मेहरबानी कर रहा है नहीं वैसे भी बहुत मेहरबानी कर रखा है ऊपर वाले ने कोरोना फैला के ये देखो अब हमारा ये डेटा आ जाना चाहिए और ये आ जाएगा हमारे पास ये देखो कितने बेहतरीन चीज़ है आपने कितने लाइन चेंज करे बॉस ये एक्सेल से डेटा आउट के आ रही है आपने बस एक लाइन यहाँ चेंज करा और यहाँ पे आपने थोड़ा सा चेंज करा बाकी पूरी की पूरी कोड वही है समझ में आई बात तो मेरे कहने का मतलब जब कभी भी आपको डेटा कनेक्टिविटी करना हो एक्सेल से तो हम इस तरीके से डेटा कनेक्टिविटी करते हैं एक्सेल से तो इसको भी मैं यहां पर डाल ही देता हूं तो याद रखना एक्सेल से कनेक्टिविटी करना हो एक्सेस से कनेक्टिविटी करना हो तो ये ऑलरेडी भी भाई साहब को हम यूज करेंगे कि एमएस एक्सेस से कनेक्टिविटी कैसे करनी है एक्सेल से कनेक्टिविटी कैसे करनी है यही चीज आपको अभी करके देखना है फिलहाल अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक्सेस से कनेक्टिविटी कर रहा हूँ मान लो मैं यहां पे एक्सेस से कनेक्टिविटी कर रहा हूं ये हमारा एक्सेस वाला कोड है जो हमने यहाँ पे लिखा था अब देखो एक चीज तो ये होती है कि भाई तुमने यहां पे डेटा रीडर ले लिया अब जैसे मैंने यहाँ पे ओले डीबी कमांड यूज किया है ना ओले डीबी कमांड के जगह हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ओले डीबी डेटा एडेप्टर ओले डेटा एडेप्टर और जैसे ये यह तुम यहाँ पे डेटा रीडर यूज किया हो ना यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो डेटा टेबल डेटा टेबल अब ये होता क्या है ये करता क्या है क्यों यूज कर रहे हैं इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा मैं फिलहाल अभी आपको बस करके दिखा रहा हूं कि भाई इस तरह से कर सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं तो मैं यहां पर ओले डी बी डेटा एडेप्टर लेता हूं दोनों में अंतर होता है मैं बताऊंगा दोनों में क्या अंतर होता है ओले डी बी डेटा अडप्टर मैं ले लेता हूं ठीक और यहां पे जेड के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो मैं बोलता हूँ जेड इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल और मैं यहाँ पर बोलता हूँ न्यू डेटा टेबल और मैं यहाँ पर बोलता हूँ वाई डॉट फिल फिल कर दो किसको फिल कर दो जेड को अब भाई तुम्हारा डेटा जेड में आ गया अब जेड में जब डेटा आ गया तो एक काम करो जेड में यहाँ पे एक फॉर लूप चला दो तो मैं बोलता हूँ फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू जीरो सेमी कॉलन आई लेस देन मैं यहाँ पे बोलता हूँ जेड डॉट काउंट यानी कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ जेड डॉट और जेड डॉट रोज डॉट काउंट सेमी कॉलन आई प्लस ले लिया मैंने यहां पर फॉल्डअप चला दिया अब मैं यहां बोलता हूँ मैसेज बॉक डॉट सो अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ z of i i के अंदर जो हमारा एम्प्लाई नंबर है अगेन मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ डॉट टूस्ट्रिंग एगेन मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ z of i i के अंदर जो हमारा एम्प्लाई नेम है अब ये यहाँ पे मैं यहाँ पे जीरो लगा देता हूँ यानी कि जीरो रो लेना है मुझे अब ये भाई साहब ये एरर क्यों दे रहा है क्या बोल रहा है कैन नॉट अप्लाई इंडेक्सिंग विथ टू एक्सप्रेसन टाइप डेटा टेबल मैं बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो जेड डॉट जेड डॉट रोज और कौन सा रो तो आई और उस रो में कौन सा कॉलम तो जीरो प्लस बीच में यहाँ पे स्पेस लगा दो प्लस अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ जेड डॉट रोज कौन सा रो आई उसमें क्या उस आई में क्या तो भाई वन कॉलम प्लस यहाँ पे अगेन लगा दो जेड डॉट रोज जेड डॉट रोज में क्या तो आई और यहाँ पे कौन सा कॉलम टू तो। अब मैंने एक एक करके डेटा को यहाँ पे दिखा दिया And finally connection को close कर दो अपना करो। तो मेरे कहने का मतलब काम करने के दो तरीके हैं और करोगे तो कमांड के साथ डेटा रीडर लगाओगे adapter करोगे तो एडप्टर के साथ डेटा टेबल लगाओगे ये देखो यार है पे। ये आ रहा है यहां पर हमारा यहाँ पे ये जो भाई साहब है ये डेटा वहां पर निकल के आ गया तो अभी जो डेटा तुम ला रहे हो ये कहां से ला रहे हो एम एस एक्सेस से ला रहे हो लेकिन तुमने यहाँ पे यूज किया है अडेप्टर एंड डेटा टेबल तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एडेप्टर एंड डेटा टेबल तो कमांड कनेक्टिविटी करने के दो तरीके हैं आइदर वी कैन यूज कमांड एंड डेटा रीडर और वी कैन यूज वी कैन यूज एडेप्टर एंड डेटा टेबल अब ये क्या करता है इसमें अंतर क्या होती है किस तरीके से हमें काम करना है अभी मैंने आपको दो चार स्टेप्स दिए हैं और आपके लिए बेहतर ये होगा कि इसको आप याद कर जाओ आप दो चार बार पांच बार लिख के इसको याद कर जाओ क्योंकि इसके बेस पे ही हमें सारा काम करना है ठीक है कल जब मैं बात करूंगा तो इसकी डिटेल मैं इसके, इसके थ्योरिटिकल जो चीजें हैं उसके ऊपर बात करूंगा कि भाई दोनों मंत्र क्या है क्यों यूज करते हैं क्या होता है लेकिन अभी फिलहाल मैंने आपको ये बताया कनेक्टिविटी आप कैसे करोगे ठीक है तो आज आप लोग को यही काम करना है ये वीडियो मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा तो वहां से उठा लेना और ये मैं नोट्स आपको मेल कर दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे काम करना है ठीक है